हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आरआरबी जेई की भर्ती 2019 के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। रेलवे जेई भर्ती 2019 के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोस्तों जूनियर इंजीनियर की जो भर्तियाँ चल रही हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर समाप्त हो चुका है। 23 जनवरी 2019 तक कितने फॉर्म यहाँ पर फिलअप किए गए उसके बारे में मैं आपको बता दूँ। दोस्तों 30 लाख फॉर्म यहाँ पर आए हैं जो कि भयंकर कंपटीशन आप इसे कह सकते हैं। और सभी जोन वाइज के दोस्तों लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में दोस्तों आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कंपटीशन है वो कितना हार्ड है और कौन से जोन से कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पर कितने कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं और कौन से जोन से कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी हुई हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं पीडीएफ हम आपके सामने खोल चुके हैं और दोस्तों इसमें हम आपको जोन वाइज बताने वाले हैं। दोस्तों यहां पर आपको नेम ऑफ जोन सॉरी दोस्तों यहां पर हमने आपको नेम ऑफ जोन दिया हुआ है। एक मिनट सर। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको नेम ऑफ नेम जोन का नेम दिया हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितने कैंडिडेट्स ने किस जोन से कितने फॉर्म फिलअप किया है और दोस्तों कितनी वैकेंसी कौन से जोन से हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों एक सीट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सीट, मतलब कि एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। तो दोस्तों अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर से 1,37,367 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है, 825 टोटल वैकेंसी है और 167 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो दोस्तों 90,456 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है और 399 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 227 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों भोपाल की अगर हम बात करें तो 87,280 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, 383 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और 228 स्टूडेंट एक सीट के लिए फॉर्म फिल फाइट करने वाले हैं। गोरखपुर की अगर हम साथ ही में बात करें तो दोस्तों गोरखपुर के लिए 97,208 फॉर्म आए हैं, 645 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं और 151 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी से आप देखेंगे 77,927 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया गया है और 586 वैकेंसी जो हैं कि जो कि टोटल वैकेंसी हैं गुवाहाटी से और 133 स्टूडेंट हैं वो कि एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर भुवनेश्वर की बात करें तो 66,845 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, 242 टोटल वैकेंसी है और 276 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। दोस्तों बिलासपुर की अगर हम बात करें, दोस्तों गुवाहाटी की अगर बात करें तो गुवाहाटी से यहाँ पर 77,927 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, 586 वैकेंसी हैं जो कि टोटल वैकेंसी हैं और 133 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो दोस्तों 66,845 स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म फिल किया गया है और 242 वैकेंसी हैं यहाँ पर टोटल और 276 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। बिलासपुर से दोस्तों अगर हम बात करें तो बिलासपुर से 70,345 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। साथ ही में दोस्तों 70,343 कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया है, 404 वैकेंसी हैं यहाँ पर टोटल और 191 कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। दोस्तों अब आता है हमारा जो कि एक खतरे वाला जोन है, 4,16,070 कैंडिडेट ने यहाँ पर चेन्नई से फॉर्म फिलअप किया है और 1,183 वैकेंसी हैं जो कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं, लेकिन 351 कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर एक सीट के लिए फॉर्म फाइट करने वाले हैं, मतलब कि दोस्तों 350 लोग एक सीट के लिए फाइट करेंगे। साथ ही में दोस्तों आगे हम देखते हैं तो मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी आप देख सकते हैं दोस्तों मुंबई में 4,22,907 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, लेकिन वैकेंसी यहाँ पर अच्छी खासी है तो इस वजह से यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1,544 टोटल वैकेंसी हैं और 274 स्टूडेंट हैं जो कि एक सीट के लिए मुंबई से फाइट करेंगे। इलाहाबाद की दोस्तों अगर बात करें तो 2,45,159 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है और 1,446 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, 169 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। दोस्तों मतलब कि आपका जो इलाहाबाद जोन है वो थोड़ा सेफ जोन आप इसे कह सकते हैं। कोलकाता की अगर हम बात करें तो दोस्तों 2,65,706 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है जूनियर इंजीनियर के लिए जेई के लिए और दोस्तों 1,519 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं और 175 जो
कैंडिडेट हैं वो कि एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों बेंगलोर जोन है ये थोड़ा खतरे वाला जोन है, और साथ ही में सिकंदराबाद जोन भी थोड़ा खतरे वाला जोन है। तो दोस्तों इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बेंगलोर की दोस्तों बात करें तो 196,595 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। साथ ही में दोस्तों 708 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, और 278 कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। सिकंदराबाद में दोस्तों सिकंदराबाद की अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद में 276,893 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म अपना फिलअप किया है, यहाँ से अपना जोन चूज किया है। 789 टोटल वैकेंसी हैं और 351 जो कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों हम आगे की अगर बात करें तो चंडीगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों 222,625 जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं चंडीगढ़ से, 996 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और 223 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। तिरुवनंतपुरम दोस्तों थोड़ा खतरे वाला जोन है, 45,805 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया गया है, लेकिन दोस्तों 137 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, मतलब कि 334 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, पर कैंडिडेट 334 स्टूडेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो दोस्तों 65,400 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है और 460 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है, 142 जो स्टूडेंट हैं वो कि एक सीट पर फाइट करने वाले हैं। रांची से अगर दोस्तों बात करें तो 55,302 स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, 55,302 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है और 365 वैकेंसी हैं जो कि टोटल वैकेंसी है और 152 कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि पटना की अगर हम बात करें तो पटना से 49,150 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है और 299 जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है और 164 कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। सबसे दोस्तों सेफ जोन है वो मालदा का जोन है दोस्तों, यहाँ से 34,734 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है, 448 वैकेंसी है और 77.53 मतलब कि दोस्तों 78 मान सकते हैं, 78 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं, मतलब कि दोस्तों सबसे कम जो लड़ाई है, जो सबसे कम जो आपका यहाँ पर स्कोर रहने वाला है वो है मालदा। तो अगर आपने दोस्तों मालदा से फॉर्म फिलअप किया है तो आप एक तरीके से सेफ जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया है। सिलीगुड़ी की अगर हम बात करें तो दोस्तों 22,460 कैंडिडेट ने यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप किए गए हैं, 22,460 कैंडिडेट यहाँ पर जो फॉर्म है वो पहुँचे हैं और 195 वैकेंसी यहाँ पर टोटल वैकेंसी है और 115 जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगर हम बात करें हमारे मुजफ्फरपुर से यहाँ पर जो हमारा स्कोर रहने वाला है वो है दोस्तों 13,697 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ से मुजफ्फरपुर से फॉर्म फिलअप किया है, 114 जो है टोटल वैकेंसी है और 120 कैंडिडेट यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं, वो दोस्तों 29,59,934 जो फॉर्म फिलअप किए गए हैं आज के रात के 11:59 तक। ठीक है दोस्तों 11:59 जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, 29,59,934 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया है जूनियर इंजीनियर के लिए। और दोस्तों अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 13,487 वैकेंसी हैं जो कि टोटल वैकेंसी हैं और 220 अगर दोस्तों इस पर हम ऑल ऑफ इंडिया की दोस्तों अगर बात करें और यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट अगर हम निकालें तो दोस्तों नंबर ऑफ पर सीट हमारा निकलेगा 220, मतलब कि 220 कैंडिडेट हैं जो कि एक सीट के लिए हमारा फाइट करने वाले हैं, मतलब एक सीट के लिए 220 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप फाइट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं, और वीडियो देखने में दोस्तों मज़ा आया हो तो वीडियो को